विद्यार्थियों आइए इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं फिजिक्स क्लास 12th के अंतर्गत अगला टॉपिक गोली चालक की धारिता। यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना आर त्रिज्या का एक गोली चालक है। यहाँ लिखेंगे माना आर त्रिज्या का एक गोली चालक है, एक गोली चालक है, माना आर त्रिज्या का एक गोली चालक है जिसे प्लस क्यों आवेश देने पर, जिसे प्लस क्यों आवेश देने पर संपूर्ण आवेश। देखो माना आर त्रिज्या का एक गोली चालक है जिसे प्लस क्यों आवेश देने पर संपूर्ण आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। माना आर त्रिज्या का एक गोली चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश देते हैं। जो हम लोग यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, जैसे हमारे पास में क्या है, मान लेते हैं कि एक आर त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है जिसको जब हम क्या देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो संपूर्ण आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्यों दिया इसको आवेश इसके पृष्ठ को, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी यहाँ पर हमने पृष्ठ पर लिया हुआ है। अब देखो आगे हम लोग लिखेंगे कि यदि वितरित संपूर्ण आवेश को चालक के केंद्र पर केंद्रित मान लिया जाए, यदि वितरित संपूर्ण आवेश को चालक की सतह या चालक के केंद्र पर मान लिया जाए यदि वितरित संपूर्ण आवेश को, जितना संपूर्ण आवेश वितरित है उसको चालक के केंद्र पर मान लिया जाए, संपूर्ण आवेश को चालक के केंद्र पर केंद्रित मान लिया जाए। चालक के केंद्र पर कैसा मान लिया जाए, तो यहाँ पर केंद्रित मान लिया जाए, तो उसे बिंदु आवेश का स्वरूप कहा जा सकता है। अतः बिंदु P पर विभव V बराबर क्या होगा, KQ/R। भाई बिंदु आवेश के कारण विभव क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि विभव होता है KQ/R। अब यहाँ पर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लेंगे बिंदु आवेश के कारण। हमें निकालना है धारिता, तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः चालक की धारिता। ठीक, तो धारिता का फार्मूला C/Q/V था यहाँ पर, तो यहाँ पर मान पुट करेंगे C/Q और वी का मान कितना है, KQ/R। KQ नीचे रहेगा और R ऊपर चला जाएगा, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो C का फार्मूला क्या आ गया, R/K आ गया। या हम K का मान रखेंगे, K का मान क्या होता है, 1/4π0। तो यहाँ पर क्या फार्मूला निकल के आएगा, R और नीचे 1/4π0, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो C/ क्या आएगा, 4π0×R। ये आ जाएगा हमारा सूत्र। अगर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम कितना लिखेंगे, R/K, के मतलब 9×10^9 से भाग देंगे, तो हमारी धारिता यहाँ पर निकल आएगी। विद्यार्थियों आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे कि हमारे पास में फार्मूला क्या है, C/4π0×R, इसका मतलब C समानुपाती R हुआ, अगर हम इस सबको नियतांक मान लें। आगे क्या हम देखेंगे, निर्वात में गोली चालक की धारिता, यहाँ लिखेंगे कि निर्वात में गोली चालक की धारिता यहाँ देखेंगे C/4π
एप्सिलॉन जीरो इंटू आर, समीकरण नंबर एक। फिर हम देखेंगे कि माध्यम में गोली चालक की धारिता। देखो प्रूफ तो तुम्हारा पीछे ही पेज पे हो चुका है, ये उसके आगे का है। निर्वात में गोली चालक की धारिता, माध्यम में गोली चालक की धारिता, चालक की धारिता, तो ये क्या होगी, सी मीडियम फोर पाई एप्सिलॉन इंटू आर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है। समीकरण नंबर दो। अब समीकरण दो को किससे भाग करेंगे, समीकरण एक से भाग करने पर तो क्या होगा, सी मीडियम बटे सी, और यहाँ ये ऊपर रहेगा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर, नीचे रहेगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो आर से आर गया, फोर पाई से फोर पाई गया, तो क्या आ गया, सी मीडियम पाँच सी, और इधर बचा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये होता है एप्सिलॉन बराबर। तो एप्सिलॉन की जगह पर हम रखें कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर हम यहाँ से ही देख लें कि एप्सिलॉन नॉट जब बटे में जाएगा विद्यार्थियों, तो उसकी जगह हम एप्सिलॉन आर रख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया, सी मीडियम अपॉन सी, और इधर आ गया एप्सिलॉन आर आ गया, यानी ये आ गया परावैद्युतांक। अगर निकालना होगा तो माध्यम की धारिता बटे निर्वात की धारिता यहाँ पर फार्मूला रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे माध्यम की धारिता निकालना है तो एप्सिलॉन आर से जो है हम केवल धारिता को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान बढ़ता है। यहाँ लिखेंगे कि माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान बढ़ता है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, कल मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।